मेरा बच्चा को आप लोग जान बचा दीजिएगा। मैं धक्का खा खा के मैं बहुत परेशान, बहुत थक गए, हमसे नहीं हुआ। मेरा 6-7 बच्चा है, 5 लड़की है, 2 लड़का। हम बच्चा के लेके बहुत बड़े, ये दूसरी नंबर की लड़की है, 16 साल की है। मैं बहुत परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा ठीक हो जाता फिर बीमार पड़ जाता, कोई डॉक्टर हमको सही से नहीं देखता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान। और अब से करीबन 10 दिन पहले आपने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बच्ची थी जो बहुत बीमार थी और उनकी माँ गुहार लगा रही थी लोगों से कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए। 10वीं क्लास में, 10th क्लास में वो बच्ची पढ़ती थी। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद आज हम दिल्ली इलाके में हैं। दिल्ली इलाके का शास्त्री पार्क इलाका है और हम उसी बहन के पास में हैं जिसकी ये बच्ची है। क्या नाम है बच्ची? बेटा आपका क्या नाम? क्या मुसर्रत। मुसर्रत नाम है आपका जी। आपकी उम्र कितनी बेटा? 16 साल उम्र है आपकी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10वीं। 10th क्लास में पढ़ते थे आप जी। तो अभी मन करता है पढ़ाई करने का? यही वो बच्ची है और इसको बोन टीवी है और इलाज भी चल रहा है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ऐसे अस्पताल में पहुंचाया जाए जहां इस बच्चे का इलाज हो जाए। ये 10th क्लास की स्टूडेंट थी और आज इस मुकाम पे है कि अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में ये लड़की अभी 3 साल से बीमार है। 3 साल से टीबी इसको हो जाता है, सही कर देते हैं। 6 महीना का कोर्स पूरा किए, पहले फेफड़ा में पानी वाला था, उसको 6 महीना का कोर्स पूरा किया। उसके 4 महीना बाद ठीक रहा, 4 महीना के बाद फिर बीमार पड़ गया, फिर हम अस्पताल में लेके गए। आपको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपील की लोगों से कि मेरी बच्ची की मदद कीजिए? क्या, कितने परेशान हो गए आप? हमने बहुत परेशान हुए। हमने अस्पताल में जाते थे तो हमारे डॉक्टर सुनने की राजी नहीं होता था। मेरा बच्चा का पहले कोई नहीं सही देखता, अगर सही से देखता तो ये नमत मेरा बच्चा का 16 साल का बच्चा है, नहीं ऐसा कंडीशन होता, ऐसा मुसीबत नहीं होता। उठने से बैठने से मेरा बच्चा परेशान ही है। 3 साल से लेके 3 महीने तक कि मेरा ये लॉकडाउन में कोई डॉक्टर जो हाथ नहीं लगाया, इसीलिए मेरा बच्चा सीरियस हो गया। अभी आपके पास में कुछ रकम है कि जिससे आप इलाज करा सकें बच्चे को अपने? कुछ लोगों ने थोड़ी सी मदद तो की होगी आप? हमारे अभी मदद है, रकम है, हम इलाज की मदद है। हमें इलाज दे दीजिए, डॉक्टर की मदद दे दीजिए कि मेरी बच्चे की जान बच जाए। 16 साल की बच्चा है, हमारा बच्चा की जान बच जाए, इसीलिए हम फेसबुक पे डाले, मीडिया वाले पे। 20 दिन हो गया लेटरिंग पेशाब सब बिस्तरे में करता है। अब अकेले से हमसे नहीं होता है, हम भी करते करते हालत मेरी ख़राब हो गई, अब 2 जने की ज़रूरत है। ठीक हो जाओगे तुम पक्का? ठीक है ना? अभी हम आए, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा आपकी। आप ठीक होना चाहते हो ना? हाँ। क्या बनोगे बड़े हो गया? डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनना है? हाँ। पढ़ना चाहती हो आप दोबारा से? हाँ। अभी बच्ची को बोलने में दिक्कत हो रही है और इनके हाथ आप देखिए, ये 16 साल की बच्ची है। 16 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची की क्या कंडीशन हो गई है। लेकिन ये परिवार बेहद ही ज़्यादा नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। हमसे जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह, और इनको सजेशन भी देंगे कि ये जिस हॉस्पिटल में जाए वहाँ इलाज कराए, हम पूरा एड्रेस देंगे। अगर दिल्ली सरकार मेरी इस वीडियो को देख रही है तो मैं अपील करना चाहूँगा, ये बच्ची है जो ज़िंदगी और मौत के बीच में अभी फंसी हुई है और माँ के सामने यूँ माने कि जिंदा लाश ये बच्ची है। ये इलाका शास्त्री पार्क दिल्ली का इलाका है और बिहारी चौक इसको बोलते हैं। यकीन है ना अल्लाह पे? यकीन है? यकीन है अल्लाह पे?
आप लोगों से बोलिए कि मेरे लिए दुआ करें। आप मेरी वीडियो सऊदी में देखते हैं, हरम में देखते हैं, जहाँ हज होता है वहाँ देखते हैं। अच्छे से अच्छे पढ़ूंगी, अच्छी जिंदगी जीऊंगी, अल्लाह सांस देगा। इस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, बोल नहीं पा रही है, और आपसे भी गुजारिश है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तमाम लोग, इस बच्ची के लिए दुआ करें कि ये सेहत याफ्ता हो जाए और अपनी ज़िंदगी दोबारा जिए। ये चाहते हैं कि बस इस बच्चे का इलाज हो जाए, और बच्चे का इलाज होगा इंशाल्लाह। ये कुछ पैसा है, रख लो, ये काम आएगा जी। आपके बहुत बड़ा शुक्रिया, हम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन अपनी इतनी जीत कर रहे हैं तो हम लिए हैं। ये एक भाई ने पैसे की लालच पे हम मीडिया पे नहीं गए, हम सिर्फ बच्चे की जान बचाने, बच्चे की जान बचेगी इंशाल्लाह, हमारे बच्चे की जान आप लोग बचा दीजिएगा सरकार से, सबसे मिल करके, यही आपको बहुत बड़ा शुक्रिया। ये बच्चे की माँ का दुआ दे रहे हैं, हमारी एक बच्चा है, बच्चा लेके बहुत परेशान है। तमाम लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई रहनुमा आगे आइए, इस बच्ची को अगर आप दिल्ली में हैं इस बच्ची को एडमिट कराइए, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, और हम तो पूरी कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो सकते हैं कि इस बच्ची की जान बच सके और ये सही सलामत अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और अपने बच्चों अपने माँ बाप के बीच में रह चुके रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।